आते ही ऐसा क्या याद करने लग गए गुरु? दादी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी मन पसंद कविता मैं उन्हें याद करके सुनाऊं। लेकिन ये कविता कम और टंग ट्विस्टर ज्यादा है। दादी ने दादा को दलिया में धनिया के दाने डालकर, दलिया के दाने दादा ने दादी को खिलाकर, ये क्या है? ये कविता तो बहुत मुश्किल लग रही है। इसके लिए तो गैजेट चाहिए, कार्य क्षमता वृद्धि यंत्र। कार्य क्षमता वृद्धि यंत्र? आई वॉन्ट टू आस्क, कहाँ से आया मेरी शक्ल का मास्क? यह है कार्य क्षमता वृद्धि यंत्र। इसको पहनकर 10 गुना ज्यादा क्षमता से काम हो सकता है। मतलब इस मास्क को पहनकर अगर तुम्हें कविता याद करनी है तो तुम 10 गुना ज्यादा तेजी से कविता याद कर पाओगे। जिसको जो कार्य करना है वो कार्य 10 गुना ज्यादा तेजी से कर सकता है। गया मेरा काम। पेज नंबर 7, कविता नंबर 2, शीर्षक दादा दादी की दरिया। दादी ने दादा को कौमा, दलिया में धनिया के दाने डाल के कौमा, दलिया खिलाई फुल स्टॉप। दादा दादी खुश होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं कौमा, दादा बोलते हैं बल्ले बल्ले और सांभर के साथ खाते हैं दही बल्ले फुल स्टॉप दी एंड। ओहो, इसने तो कविता के साथ साथ कौमा और फुल स्टॉप भी याद कर लिया। ओ वैसे पुत्र, तू कविता याद करके आया है कि खाकर आया है? ओहो आप चुप रहो, मुझे तो कविता बहुत अच्छा लगा। गुरु तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया, आज मैं तुम्हारा मनपसंद लड्डू दूंगी। इतना बड़ा लड्डू, थैंक यू दादी। लड्डू? वाह गणेशा, तुम्हारे यंत्र ने तो कमाल कर दिया। गणेशा जल्दी से लड्डू के 2 टुकड़े कर दो। गणेशा जल्दी करो ना लड्डू के 2 टुकड़े। 2 नहीं 8 होइंग, हम सब भी खाएंगे। हाँ 8 क्यों? क्योंकि गुरु को मास्क निकालते हुए हम सब ने देख लिया है और ये बात दादी को नहीं पता चलनी चाहिए, है ना? लड्डू खाने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं। ये क्या है? ये तो मास्क लग रहा है। मैं गुरु बन गया। अरे रुक जाओ। ये मेरा लड्डू है। मेरा लड्डू? ये तो मेरा ही है, ये भी मेरा है। वाह मजा आ गया। देखिए ये लड्डू चोर जगह जगह अटैक कर रहा है और लड्डू खाकर भाग रहा है। कौन है ये बच्चा, किसका है ये बच्चा? जी यार ये साडा गुरु ये लड्डू चुरा रहा है, लेकिन गुरु ऐसा क्यों करेगा पला? ओहो ये सब आपका लाड प्यार की वजह से हुआ है। मेरा लाड प्यार? सुबह इतना वड्डा लड्डू तुमने खिलाया फिर भी लड्डू चुरा रहा है। गणेशा ये कैसे हो रहा है, मैं न्यूज में कैसे आ रहा हूँ? तुम्हारा मास्क कहाँ है? मैंने ये मास्क खिड़की के पास रखा था। किसी ने तुम्हारी शक्ल वाला मास्क चुराया है और वो मास्क पहनकर लड्डू की चोरियां कर रहा है, इसलिए सब तुम्हें लड्डू चोर समझ रहे हैं। जल्दी चलो और उसे पकड़ो। हाँ मास्क पहनने से उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ गई है, अगर उसे नहीं रोका तो वो शहर के सारे लड्डू खत्म कर देगा। पुष्पक विमान यंत्र। वाओ पुष्पक विमान यंत्र। मिल गया लड्डू चोर। ओ
ब्रेक लगाओ। कनिषा, वो तो बहुत तेज है। गुरु, जो मास्क उसने पहना है उसमें बहुत शक्तियाँ हैं। जब तक वो मास्क चोर अपनी मर्जी से मास्क नहीं उतारेगा तब तक हमें मास्क नहीं मिलेगा। क्या, अब मास्क कैसे निकलेगा? जरूर निकलेगा। उस लड्डू चोर को लड्डू के जाल में फंसाना होगा। ये है लड्डू निर्मित यंत्र। लड्डू निर्मित यंत्र? गणेशा, जब तुम्हारे पास लड्डू बनाने का यंत्र है तो हमेशा लड्डू के पीछे क्यों भागते हो? ये लोहे के लड्डू है जिसमें सिर्फ लड्डू की खुशबू आती है। अब मास्क चोर लड्डू की खुशबू से यहाँ खींचा चलाएगा। अरे फिर पहले बोलना चाहिए था ना, मेरे दांत टूट जाते तो। खुशबू। लालच बुरी बला है, ये मास्क हमें दे दो। ऐसे नहीं निकलेगा ये मास्क। इसने तो लोहे के लड्डू खा लिए, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे रोक सके। मास्क लगाने से इसकी शक्तियाँ बढ़ गई हैं। अगर ये इसी तरह लड्डू चुराता रहा तो लोग मुझे लड्डू मैन के नाम से जानने लगेंगे। लड्डू मैन? मिल गया लड्डू चोर को पकड़ने का तरीका। सुनो सुनो सुनो, हमारे शहर में एक बच्चा घूम रहा है जिसने एक दिन में सबसे ज्यादा लड्डू खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसलिए बच्चों ने उसे अपना सुपर हीरो मानकर उसका नाम लड्डू मैन रख दिया है। हम सब लड्डू मैन को एक बड़ी सी लड्डू वाली ट्रॉफी देना चाहते हैं। इसलिए लड्डू मैन, जहाँ कहीं भी हो आज 4 बजे हसमुख ऑडिटोरियम पहुँचना अपने फैन से मिलने। वाओ, इस शहर को मिला है एक नया सुपर हीरो, मैडी द लड्डू मैन। लड्डू मैन, लड्डू मैन, लड्डू मैन। फ्रेंड्स, 4:01 बाकी है। हम सबके हीरो लड्डू मैन बस आते ही होंगे। डुमन, एक फोटोग्राफ? हाँ, ऑटोग्राफी। यस, आई लव गिविंग ऑटोग्राफ्स। प्लीज वेलकम गुरु द लड्डू मैन। शट अप, शट अप। ये गुरु लड्डू मैन कहाँ से बन गया? लड्डू मैन तो मैं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। ये तो मैंने उसका मास्क पहन लिया था, इसीलिए मैं गुरु जैसा दिख रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने मास्क पहना है तो उसे उतार कर अपना असली चेहरा दिखाओ। हाँ हाँ, अभी लो। अरे, अरे ये तो मैडी है। मैडी, तुमने मेरा मास्क चुराया। गुरु रुक जाओ, मेरा मास्क। अब ये मास्क लगाने से मुझे कौन रोकेगा? इसको रोकना पड़ेगा। ये क्या हो गया? अब मास्क तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। नो प्रॉब्लम, मेरे सारे फैंस ने देख लिया है कि तुमने मेरा मास्क चुराया है। मेरे फैंस मुझे ही लड्डू मैन समझते हैं। क्यों दोस्तों? अरे ये तो नकली है, मेरे फैंस कहाँ गए? दोस्तों, कोई नहीं है तुम्हारा फैन, फंस गए ना हमारे जाल में। मैडी तो मैड हो जाएगा, भागना पड़ेगा यहाँ से। गुरु, इस पेन ड्राइव में मास्क निकालते हुए मैडी का वीडियो है, इसे न्यूज़ वालों को दे दो।
अरे वाह गणेशा। अभी अभी वायरल हुए वीडियो के अनुसार ये है वो लड़का जो किसी और लड़के का मास्क पहनकर कर रहा था शहर में लड्डू की चोरी। मैडी था असली लड्डू चोर। ओए यार मैं तो पहले ही बोल रहा था हमारा गुरु कभी लड्डू चुरा ही नहीं सकता है। हाँ दादाजी आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। थैंक यू गणेशा।